एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सी शार्प ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम जो है वो डेटाबेस को नेटवर्क पे शेयर करना जो है वो हम देखेंगे कि आज जो है एक एसक्यूएल का सर्वर कैसे बना सकते हैं और किसी भी सिस्टम से अपने 10-12 सिस्टम से एक पीसी पे कैसे डेटा जो है विद इन वन एप्लीकेशन जो वो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ सिस्टम वन है, ठीक है, ये और इस पे पास इसमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिसका डेटाबेस भी इसी सिस्टम में जो है वो मौजूद है, ठीक है, और ये जो है काम जो है वो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये आपके पास डेटा जो है वो लेकर आ रहा है, सही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यही चीज़, यही एप्लीकेशन मेरी दूसरे जो है वो सिस्टम में जो इंस्टॉल है, ठीक है, वो दूसरा सिस्टम मेरा ये मौजूद है और वेट वो एप्लीकेशन भी इसमें जो है इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेटाबेस जो है वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एरर जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब डेटाबेस में यहाँ पे पूरा ट्रांसफ़र करूँगा तो डेटा अलग अलग हो जाएगा, तो मुझे वो है अपने सिस्टम वन में ही जो है वो इसका सर्वर जो है वो डेटा वहाँ पे सेव कराना है, वहीं से रिट्रीव करवा के हमने यहाँ पे शो कराना है। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले तो जो सेम नेटवर्क आपको होना चाहिए, ठीक है, या एरर आ गया, सही है, सेम नेटवर्क आपके पास होना चाहिए इसके लिए। और दूसरी बात कि आपके पास जितने भी सिस्टम हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो वहाँ पर आपको एसक्यूएल सर्वर जो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप उनका एक यूज़र नेम बना लें, वैसे ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब जो सर्वर पे आपने सबसे पहले तो काम कर लेना है, सर्वर पे आपने क्या काम करना है, जैसे कि आप ये सर्वर बनाना चाह रहे हैं, इस पे आपने जब ये स्टूडियो खोल लेना है, कॉन्फ़िगरेशन खोल लेना है एसक्यूएल सर्वर का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और फिर यहाँ आएंगे एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद पोर्ट प्रोटोकॉल्स में आएंगे और ये आपकी डिजेबल्स होंगी, ठीक है, आपने इसको इनेबल कर देना है इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। लास्ट में फिर आपने TCP IP में आना है और यहाँ IP एड्रेस में लास्ट में आपने आके यहाँ पे क्या कर देना है, 1433, ठीक है, ये आपने कर देना है, देन आप इसको ओके कर देंगे और फिर यहाँ से पहले आप नॉर्मल जो है वो अपने जो भी यूज़र नेम आपका होगा आप उससे लॉगिन होंगे और इसको आप रिस्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो आपको मैसेज भी देगा जब आप वहाँ पे पोर्ट चेंज करेंगे तो आपको मैसेज देगा कि भाई रिस्टार्ट होगा तो ये काम सेव होगा वरना नहीं, जैसे कि होता है अमूमन, तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा फिर आपका काम वो सेव हो जाएगा, ठीक है, जो आपने IP वगैरह पोर्ट चेंज की है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, वो आपने काम करना है यहाँ पर लिखेंगे आप कंट्रोल पैनल, पहले मैं खोल लेता हूँ, इसको बंद करते हैं। कंट्रोल पैनल में यहाँ आप लिखेंगे अलाउ प्रोग्राम और अलाउ प्रोग्राम ऐप थ्रू फायरवॉल, ठीक है, यहाँ पे वो जो है प्रोग्राम्स आ रहे हैं जो कि फायरवॉल से आपने अलाउ करे होते हैं, तो यहाँ पे आपने SQL ब्राउज़र जो एक सर्विस है उसको अलाउ करवाना है, तो यहाँ चेंज सेटिंग पे आपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो इसको खोला और अलाउ ऐप आपने ऐड करा, ठीक है, दैन आपने ब्राउज पे क्लिक करेंगे और फिर आप जाएंगे सी ड्राइव में 86 प्रोग्राम फाइल में और फिर आप ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, देन आप ये लिखेंगे SQL ब्राउज़र, ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे तो SQL ब्राउज़र आ जाएगा और आप ओपन करके दे नेट, अच्छा वो ऑलरेडी एग्जिट है तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ SQL सर्वर इस नाम से आपके पास है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है, आपने इसको प्राइवेट और पब्लिक अलाउ कर देना है, देन ओके। फिर आपने एक काम करना है, यहाँ आप ठीक है फायरवॉल खोलेंगे और यहाँ पे आप इनबाउंड, क्योंकि ये सर्वर है तो यहाँ पे क्योंकि वो जो है इनबाउंड कनेक्शन आएगा तो यहाँ पे इनबाउंड हम रूल बनाएंगे एक, वेट मेरे पास ये बना हुआ है, मैं इसको दोबारा से आपको बना के दिखाऊंगा, इनबाउंड रूल, राइट क्लिक, न्यू रूल, देन पोर्ट, नेक्स्ट, ऑल पोर्ट, नेक्स्ट और अलाउ कनेक्शन, नेक्स्ट और देन नेक्स्ट, और आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने SQL जो है वो एंड देन इसको रख दिया है, देन नै फिनिश, ठीक है जी। तो ये मेरे पास यहाँ पे SQL के नाम से ऐड हो गई है, सही है जी, ठीक है, अब इसको भी आप बंद कर दो और फिर आप आ जाते हैं अपने सेकंड PC में। तो सेकंड PC में अब आपने जस्ट कनेक्ट करना है आपका जो दूसरा एप्लीकेशन के साथ है, मैंने इस तरीके से करा और यहाँ मैं जा रहा हूँ इधर ब्राउज नेटवर्क सर्वर में, तो इस वाला जो सिस्टम है मेरा सेकंड PC, इसका नाम अल मकसूद एजुकेशन करके है, ठीक है, और मेरे पास सेकंड जो फर्स्ट वाला PC था जिसको मैं सर्वर बना रहा हूँ उसका नाम जो है वो डेस्कटॉप करके कुछ है, अच्छा वो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो वेट
डेटा रिट्रीव कर ले, अगर यहाँ नहीं आता तो हम आई पी से जो है वो कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा, मैं उसकी आई पी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट पी सी की अपने। ठीक है, अडाप्टर डिटेल्स, ओके तो ये मेरी आई पी है जो कि मैं अपने सेकंड पी सी में कनेक्ट करते हुए यहाँ पे डालूँगा 192.168.1.106 आई थिंक। और यहाँ उस वाले पी सी का, फर्स्ट वाले पी सी का यूज़र नेम और पासवर्ड अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं हुआ। तो ये कनेक्ट आपका देखें यहाँ पे हो गया और वहाँ के वाले डेटाबेस मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, वेट मैं यहाँ चेक करता हूँ कि डेटाबेस मेरे पास कौन कौन से मौजूद हैं। अच्छा, एक डेटाबेस मेरे पास जो है वो नहीं आ रहा वहाँ पे। चलो कनेक्टिविटी तो हम करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि एप्लीकेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही। वन पॉइंट, अच्छा, ये तो इसके अपने उससे ही कनेक्ट हो गया था ये, सॉरी। इसको दोबारा से हमें चेक करते हैं कि इसकी आईपी क्या आ रही है। 15 है, ठीक है, 105 है, वो 16 से ही कनेक्ट हुआ है। मैंने दोबारा से कर दिया इसको डिसकनेक्ट, अगेन 105 और यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये उस वाले से 105 से भी क्या हो गया, कनेक्ट हो गया है। अच्छा, क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन में कनेक्टिविटी जो सारा सेटअप कराया हुआ है, ठीक है, एसक्यूएल से जो कनेक्टिविटी करा रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग फाइल के ज़रिए करा रहा हूँ। ठीक है, अब जो मतलब आपको, अगर आप डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि कनेक्शन स्ट्रिंग जो है इसके अंदर एक होता है, जिससे हम एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करा रहे होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग फाइल से कराया हुआ है। ठीक है, तो अगर तो ये कोड में ही, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि कोड में ही इसको रखते हैं, बाहर नहीं रखते, तो वो तो फिर मुश्किल हो गई चीज़ करना। लेकिन बल्कि हाँ, क्योंकि मुश्किल होगा, अब मैंने यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग से कराया हुआ, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं जो बना रहा हूँ वो मेरा यहाँ पे जो है वो बन रहा है किस नाम से, प्रोग्राम फाइल और सही है, दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा और ये है मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग की फाइल, सही है। अगर आपके पास कोड है, आप डेवलप कर रहे हैं, तो आप कोड में जी ये कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करेंगे। ठीक है, उसकी एग्जी बनाने से पहले आप दूसरे उसके लिए, दूसरे पीसी के लिए आप उसके कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से, या कनेक्शन स्ट्रिंग भी चेंज ना करें, मतलब हर पीसी के लिए ना करें, तो ये आईपी डाल देंगे। तो आईपी से ये होगा कि क्योंकि वो अपने आपकी आईपी से भी लॉगिन हो जाता है, तो वो फिर हर जगह से आईपी को चेक करेगा, अपने सिस्टम में से भी, आईपी से भी लॉगिन हो जाएगा और दूसरों के से भी। तो हमने यहाँ पर लॉगिन करा था इस आईपी से, और डेटा सोर्स की जगह 192.168.6.0.105। ठीक है, डेटाबेस वही है, यूज़र नेम जो है वो डालें, पासवर्ड जो है वो डालें, देन सेव। अच्छा, ये एसेस नहीं है, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके से इसकी सिक्योरिटी यूज़र अलाउ, ओके देन सेव, यस सही, सेव हो गया। अब हमारे पास डेटाबेस जो है इंशाल्लाह जो हमारे पास यहाँ पे शो होगा, लॉगिन कर लेते हैं, ऐड, चेक हो जाना चाहिए था अभी तक, आई होप कोई एरर ना आए। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने सही रखा है, 10, वहाँ आईपी क्या है हमारी, सॉरी यहाँ पे हमने आईपी गलत लग दी है, वेट, यहाँ 0 की जगह 1 आएगा, सही है। सेव करते हैं इसको दोबारा से, और इस एप्लीकेशन को हमें दोबारा चलाना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन, अच्छा तो कनेक्शन स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मुझे तो इजीली हुआ, मैंने यही चेंज कर दिया, वरना अगर आप आपका जो स्ट्रिंग जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कोड में हुआ हुआ है, तो फिर आपको वहाँ से जो है वो करना पड़ेगा 8। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं आपका डेटा दूसरे एप्लीकेशन में जो है वो आ गया है। ठीक है, आप जैसे मैं आज की अटेंडेंस लगाता हूँ किसी स्टूडेंट की मैनुअल, अच्छा पहले इसकी रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट में आज की अटेंडेंस है कि नहीं है, सॉरी क्लास बस रिपोर्ट लोड हो जाए। तो वैसे यहाँ पे जो है डेटा अभी आज की डेट का कोई भी नहीं है, मैं जस्ट आपको शो करा रहा हूँ। सब बंद करते हैं, इस एप्लीकेशन को यहाँ से भी रन करते हैं, हम वहाँ से डेटा जो है वो इंसर्ट करा के और अपने पास यहाँ पे हम जो है वो उसको चेक करेंगे।
ठीक है, आज की जो है किसी भी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस नहीं लगी हुई, तो अटेंडेंस हम यहाँ लगाते हैं अटेंडेंस। ठीक है, मैनुअल क्लास ए के दो स्टूडेंट हैं, मैंने अटेंडेंस लगाई, मार्क, ठीक है मार्क भी हो गई। रिपोर्ट में अगर मैं देखूँ ए क्लास में अगस्त की, तो यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस लग गई है। ये मेरा कौन सा सेकंड पीसी है और दिस इज़ माय फर्स्ट पीसी। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ रिपोर्ट में, क्लास ए अगस्त लोड, तो ये फर्स्ट टाइम लोड हो रही है, डेट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डेटा वही आ रहा है जो वहाँ से आपने इंसर्ट किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, वैसे तो ये काफ़ी जो है छोटी सी छोटा सा काम है, ज़्यादा लंबा काम है नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने डिटेल में थोड़ा सा आपको गाइड किया, तो डेट्स वाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।